झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का अगला ठिकाना शिवसेना। 9 सितंबर को गुढ़ा उसी जगह पर सभा करेंगे जहां पर पिछले साल सीएम अशोक गहलोत की सभा हुई थी। सूरजगढ़ में समर्थकों से मिलने पहुंचे राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि 9 सितंबर को महाराष्ट्र के सीएम आएंगे। गुढ़ा गांव में शिवसेना के एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र गुढ़ा के बेटे शिवम गुढ़ा का जन्मदिन है। तो सितंबर को बोले, 9 सितंबर के बाद सीरियल से खोलूंगा लाल डायरी के पन्ने। पिछली बार शिवम गुढ़ा के जन्मदिन पर गुढ़ा सीएम गहलोत वहां पर आए थे और इस बार शिवम गुढ़ा के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के सीएम आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झुंझुनू से, इस वक्त की बड़ी खबर है। और सहयोगी सुजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को गुढ़ा में उसी जगह पर सभा होगी और जिस जगह पर पिछली बार सीएम ने एक सभा की थी। आपको बता दूं कि पिछली बार 9 सितंबर को बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, उनके बेटे शिवम गुढ़ा का जन्मदिन था। पिछली बार सभा के अंदर सीएम अशोक गहलोत आए थे और अब उन्होंने सूरजगढ़ में समर्थकों से मिलने राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बार 9 सितंबर को महाराष्ट्र के सीएम है वो गुढ़ा गांव आएंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो 9 सितंबर को शिवम सिंह गुढ़ा के जन्मदिवस पर आएंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा 9 सितंबर के बाद सीरियल से लाल डायरी के पन्ने हैं वो खोलूंगा। जी सुजीत, एकनाथ शिंदे का आने का संकेत क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ ये संकेत कह रहे हैं उनके आने से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है वो 9 तारीख के आने की चर्चा है और जो जानकारी है वो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सूरजगढ़ के अंदर अपने समर्थकों को दी। साथ ही साथ उसको लेकर यह भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के साथ है तो शिवसेना को लेकर भी जो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा है वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही इसमें खास बात एक ये भी है कि उनका कहना है कि अब 9 सितंबर के बाद है जो लाल डायरी शासित सरकार में रही थी उसकी सीरियल वाइज नंबर जो लाल डायरी। अच्छा सुजीत, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा अभी ये नजर आता है कि क्या शिवसेना भी उनका अगला ठिकाना हो सकता है, तो क्या एकनाथ शिंदे का आना ये संकेत देता है कि वो शिवसेना में जा सकते हैं या उससे चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि बसपा तो इस बार टिकट नहीं देने वाली, कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बसपा से उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। ये जो बसपा के सुप्रीमो है उन्होंने साफ कर दिया कि जो बागी रहे हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस से इनको टिकट मिलना नहीं है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि क्रियास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये बीजेपी में जा सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज इन्होंने ये जो बयान दिया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये शिवसेना में भी जा सकते हैं और शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं। जी अच्छा, वहां पर क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या इसे राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो राजनीतिक गलियारों के अंदर जो चर्चा थी वो और तेज होगी और साथ साथ ही आपको बता दूं कि जो 9 सितंबर को शिवम गुढ़ा है राजेंद्र सिंह बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा उनके बेटे का जन्मदिन है और उसी जन्मदिवस के दिन महाराष्ट्र के सीएम है वो वहां पे आएंगे और उसके बाद ही जो आगे सभा के बाद क्या राजेंद्र सिंह गुढ़ा का अगला कदम रहता है ये देखने वाली बात है। सुजीत, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, राजेंद्र गुढ़ा के बेटे का जन्मदिन है, इस दौरान और किसी के आने की भी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तो और किसी के आने की संभावना नहीं है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा उनका कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो आएंगे। पिछली बार जिस गुढ़ा के अंदर सभा हुई थी उसके अंदर सीएम अशोक गहलोत आए थे और उनका कहना है कि इस बार भी उसी जगह पर सभा होगी और उसके अंदर सीएम आएंगे, लेकिन इस बार सीएम वो राजस्थान के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम है जिनसे वो आएंगे। सुजीत, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम अगर आते हैं तो पहले से बातचीत उनकी हो रही होगी और अगर ये बातचीत पहले से हो रही है तो बहुत कुछ इसके कयास लगाए जा रहे होंगे। क्या कुछ बातचीत को लेकर बताया कि शिवसेना से कब से वो कनेक्टेड है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसको लेकर तो अभी जो बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या उनकी बातचीत चल रही थी क्या नहीं चल रही थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब 9 तारीख को जो सभा होनी है, जो शिवम सिंह गुड्डा उनके जन्मदिन पर ये गुड़ा गांव के अंदर जो सभा होगी, इसके अंदर जो महाराष्ट्र के सीएम आएंगे, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि काफी समय से है जो मंत्री राजेंद्र बर्खास्त मंत्री है राजेंद्र सिंह गुड्डा, वो काफी समय से उनके संपर्क में रहेंगे और इसी कारण उनका जो गुड़ा आने का कार्यक्रम है वो अब तय हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जहां पिछले साल सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे, इस बार राजेंद्र गुड़ा के बेटे के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और इसी के साथ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में जा सकते हैं। इस बार क्या शिवसेना उनका अगला ठिकाना होगा? क्या टिकट वहीं से लेने की वो कोशिश कर रहे हैं? क्या अब वो अपने पत्ते खोलेंगे इसको लेकर? क्या जल्द ही ये पता चल पाएगा कि राजेंद्र गुड़ा क्या कुछ करने वाले हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा के बेटे के जन्मदिन पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, झुंझुनू से ये जानकारी है, जहां राजेंद्र गुड़ा को लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या उनका अगला ठिकाना शिवसेना हो सकता है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गुड़ा आएंगे, राजेंद्र गुड़ा के बेटे के जन्मदिन पर वो गुड़ा आएंगे, और इसलिए ये कयास और तेजी से लगाए जा रहे हैं कि क्या अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये है, क्या इसका संकेत ये है कि राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में जाएंगे।